गाइस भेज दे देखिएगा रुकेगा भाई चलो खर्च करेंगे कि आज रहे हैं बैनर पोस्टर पकड़ रहे हैं ठीक है भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है, सरकारी चीजों में लूट हो रही है, अस्पताल है, शिक्षा है, जो आप देखते हैं जाम का सुविधा है, असुविधा है, यहाँ पे जो शिक्षा की सुविधा है, जो लूट है, हॉस्पिटल का लूट है, फैक्ट्री से जो निकल रहा है धुआं, और वहाँ पे यहाँ पे जो मेरा बेरोजगार है वो बाहर बाहर जाता है और यहाँ पे वो काम नहीं कर सकता, वो सबको हम ठीक करेंगे। और यही मेरा टारगेट है कि गिरिडीह के जो बेरोजगार है और पूंजीपतियों से एक सामंजस्य बना के, क्योंकि जब गिरिडीह के लोग हैं तो यहाँ पे काम करेंगे, इस बात को ध्यान में रखकर करना है, क्योंकि जब तक बेरोजगारी दूर नहीं होगी और तब तक कुछ नहीं होगा। तो ये हॉस्पिटल जो है, इन हॉस्पिटल को बेहतर से बेहतर करना है, ताकि गरीब लोग जो इस हॉस्पिटल में जाते हैं वो रेफरल हॉस्पिटल ना रहे बल्कि ये करें। दूसरा जो यहाँ पे शिक्षा पर विशेष हमारा ध्यान रहेगा, और जो सरकारी खजाना, मैं बार बार इसको रिपीट करता हूँ, जो लूट रहता है, जो 30% खाते हैं कमीशन, उन जमाखोरों को, उन कमीशन खोरों को नंगा करके रोड पर लाके खड़ा करूँगा एक जनता के सामने। धन्यवाद। जमवा विधानसभा सीट से नामांकन भरे, और जमवा में अभी जो भाजपा के द्वारा वर्तमान विधायक केदार हजरा को फिर से उतारा है, जो पूरे क्षेत्र में एक भी जन सवाल को जमवा का विधानसभा में नहीं रख सके 5 साल के अंदर, चाहे वो जमवा अनुमंडल का सवाल, आज पूरे जमवा के वासी 20 वर्षों से आशा लगाए हुए थे कि सत्ता भाजपा की आएगी तो अनुमंडल बनेगा। नवडीहा प्रखंड का सवाल था, वो प्रखंड का सवाल को भी दमदार तरीके से सदन में नहीं रख सका। हिरोडी प्रखंड का मांग 20 वर्षों से चल रहा, और दुर्भाग्य यह है कि जमवा रेफरल अस्पताल जैसे जगहों में आज 20 वर्षों से कोई महिला डॉक्टर नहीं है, और ये विधायक एक बार भी इसकी जरूरत नहीं समझा कि हम सदन में रखें या इस समस्या का समाधान करें। दूसरा, पूरे जमवा क्षेत्र के अंदर व्याप्त भ्रष्टाचार जो है इस विधायक के कार्यकाल में जो है बना हुआ है, और JVM भी जो जिस तरीके से एक कालाबाजारी को फिर से जो चंद्रिका माथा को अपने उम्मीदवार के बतौर जो है जमवा में उतारा, जो पिछले चुनाव में मात्र 10,000 वोट लाके जो आउट हो गए थे, जमवा की जनता उसे नकार दिए थी, वैसे नकारे प्रत्याशी को फिर से बाबूलाल मरांडी जमवा में जो अपना चेहरा बना के उतारा है, तो जमवा की जनता ये JVM और भाजपा दोनों को इस बार जो नकार चुकी है, और भाकपा माले के पक्ष में इस खड़ा है, और हम लोग जो संघर्षों के बल पर, जन बल के बल पर, ये धन बल के लोगों को हराएंगे, ये पूरा जमवा की जनता का उम्मीद है। जिला के लोगों ने पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रति अभूतपूर्व विश्वास दिखाया था, 4 विधायक और 2 सांसद गिरिडीह जिला के लोगों ने दिया, लेकिन इसकी ठीक सबसे ज्यादा मार गिरिडीह जिले को पड़ी। पिछले 5 सालों में अगर आप देखें तो सरकार में हिस्सेदारी में भी सरकार के एक बर्थ खाली रहे, एक मंत्रिमंडल खाली रहा, लेकिन गिरिडीह जिला जो झारखंड के सबसे बड़े जिलों में से एक है, उनको कोई स्थान नहीं मिला। बल्कि गिरिडीह जिले को लेकर के, गरमजरुआ जमीन को लेकर के नीति जो रही हो,
ये जो 13 जिला 11 जिला और स्थानीयता नीति रही हो, ये 32 और 85 का रहा हो, इसकी सबसे ज्यादा मार गिरिडीह जिले को झेलना पड़ा। गिरिडीह जिला के नौजवानों को, अनुबंध कर्मियों को, पारा शिक्षकों को झेलना पड़ा। पिछले 5 सालों में लगातार गिरिडीह जिले में, वो बगोदर से लेकर के गिरिडीह तक, वो गांडे हो, जमुआ हो, धनवार हो, सड़कों में जब भी लोगों की जरूरत पड़ी, नेताओं को तो वोट 5 साल में एक बार जरूरत पड़ती है, लेकिन दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हर जरूरत, हर वक्त संघर्षों में भाजपा माले खड़ी रही है। इस बार इस गिरिडीह की इस पहचान को, इस संघर्ष को, बुनियाद को और मजबूत करने के लिए हम गिरिडीह जिले के तमाम मतदाताओं से अपील करेंगे कि जहां भाकपा माले के प्रत्याशी खड़े हैं, बगोदर, धनवार, जमुआ, गांधे और गिरिडीह में, वो झंडे में 3 तारा में दबन बटा करके संघर्ष की ताकत को राज्य के विधानसभा में गिरिडीह की मजबूत आवाज को भेजें। यही सरकार बोल करके जो रघुवर दास की सरकार चली, जिसने रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त के नाम पर यहाँ शासन किया, लेकिन ये पूरे राज्य में इनके शासन में ना तो लोगों को नौकरियां मिली, आज भी इस राज्य की हकीकत, इस राज्य की सच्चाई जो है वो बेरोजगारी, पलायन और विस्थापन के रूप में ये राज्य का मतलब एक किस्म का इनका पहचान बन गया। ऐसे स्थिति में पूरे उन सवालों के साथ साथ गांडे विधानसभा क्षेत्र, जहाँ के अस्पतालों में मास्टर नहीं है, जहाँ के अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, जहाँ के स्कूलों में मास्टर नहीं है, जहाँ के किसानों ने पूरे 5 साल तक कभी भी धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य उनको नहीं मिला, जहाँ के मनरेगा मजदूर काम करने के बाद भी उनको मजदूरी का भुगतान समय पर नहीं हुआ, इस इलाके के मजदूर दूसरे इलाके में जाकर के मिट्टी काटने तक के काम करने को मजबूर हैं, और इस इलाके में जो भी प्रखंड अंचल कार्यालय पड़ते हैं वहाँ पर जबरदस्त किस्म की घुसखोरी है। ये तमाम सवालों को लेकर के, और जब भी किसी गरीब मजदूर किसान के साथ कोई मामला हुआ है, हम लोग उसमें आगे बढ़ चढ़ करके लड़े हैं, तो आज उस लड़ाई को लेकर के, और यहाँ जो अभी तरह तरह के धन बल और तरह तरह के माफिया किस्म के लोग जो चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं और वो जनता को सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में देखते हैं, विशेषकर गांडे विधानसभा का ये इतिहास है कि यहाँ पर सिर्फ जाति और कौम का आधार बना करके लोग अपना सिर्फ वोट का मतलब साधते हैं, लेकिन जनता को उनके सवालों पर छोड़ दिया जाता है। इन सारे मुद्दों को लेकर के भाकपा माले इस बार मैदान में है, और हम लोगों ने नॉमिनेशन करने के पहले 200 से भी ज्यादा गांव में लोगों से हम लोगों ने सहयोग लिया है, उनसे अनुमति लिया है कि नहीं, जो जनसंघर्ष के सवाल पर 24 दिन 365 दिन जनता के साथ है, उनको चुनाव लड़ना चाहिए, जनता उनके साथ है। तो हम लोग धन बल के बल पर चुनाव लड़ने वालों को, जन बल के भरोसे हम लोग उनको शिकस्त देंगे, और इस बार गांडे विधानसभा क्षेत्र में मजदूर किसानों का, आम आवाम का, विकास और अमन का रास्ता खुलेगा, इसी उम्मीद के साथ हम लोग चुनाव में हैं, और यही हमारा।